शंकर वो तो राजू बेर शंकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास महाराजा रवि तेजा की इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म क्रेक के शुरुआती दो दिनों के ओल्ड इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे इस फिल्म ने शुरुआती दो दिनों में बॉक्स ऑफिस से कितने करोड़ की कमाई की और ये फिल्म हिट रही या फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों क्रेक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है गोपीचंद मालिनेनी ने और इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में रवि तेजा के साथ में है श्रुति हसन। इस फिल्म को ऑल इंडिया में लगभग 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि रवि तेजा की फिल्म क्रेक को पब्लिक की तरफ से और क्रिटिक की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और फिल्म को सभी ने पसंद किया है। जी हाँ दोस्तों, जो जो लोग इस फिल्म को देख कर आए सभी का कहना है कि फिल्म में एक्शन भी दमदार है, फिल्म की स्टोरी में भी कुछ नयापन है, साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर रवि तेजा के डायलॉग डिलीवरी और इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी कमाल का है और सभी का कहना है कि रवि तेजा फाइनली कई बाद एक दमदार मास एंटरटेनिंग फिल्म लेकर आए हैं। तो दोस्तों यहां पे क्रेक फिल्म तो सभी लोगों को पसंद आ रही है लेकिन क्रेक फिल्म के साथ एक बहुत बड़ी बुरी बात हो चुकी है। जी हां दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म को 9 जनवरी को रिलीज किया गया था लेकिन फिल्म को 9 जनवरी को सही तरीके से रिलीज नहीं कर पाए। इसकी वजह है इस फिल्म के प्रोड्यूसर। जी हां दोस्तों, क्रेक फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनके बीच और थिएटर वाले के बीच कुछ प्रॉब्लम थी जिसके चलते क्रेक फिल्म के जो मॉर्निंग वाले शोज थे वो पूरी तरह से कैंसिल हो गए। उसके बाद इस फिल्म के आफ्टरनून वाले शोज भी कैंसिल हो गए और फिल्म के जो इवनिंग वाले शोज है वो भी कई जगह पे कैंसिल थे। लेकिन रवि तेजा के जो फैंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए इतने बेताब थे कि वो दिन भर थिएटर के बाहर रहे और फाइनली जब इस फिल्म के नाइट वाले शोज चालू हुए तो इस फिल्म को नाइट वाले शोज में मिली बंपर ओपनिंग और ये फिल्म कई जगह हो गई थी हाउसफुल। तो दोस्तों इस फिल्म के जो पहले दिन के कलेक्शन है वो आए सिर्फ नाइट के कलेक्शन से और इस फिल्म ने पहले दिन नाइट वाले शोज में टोटल कमाई की 95 लाख यानी कि 95 लाख रुपए की। लेकिन दोस्तों बात करें फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की तो अच्छे रिव्यूज के चलते फिल्म को दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि क्रेक फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में 53% की ऑक्यूपेंसी मिली और आफ्टरनून वाले शोज में 60%। वही बात की जाए इवनिंग शोज की तो फिल्म को इवनिंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है 58%, यानी कि दोस्तों इस फिल्म को दूसरे दिन पब्लिक की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो दोस्तों फिल्म को जिस तरह से 3 शोज में रिस्पॉन्स मिला उसके मुताबिक देखे जाए तो क्रेक फिल्म अपने दूसरे दिन लगभग 7 करोड़ की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों क्रेक फिल्म का जो शुरुआती दो दिनों का कलेक्शन होता है वो हो रहा है लगभग 8 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों लोगों को फिल्म काफी पसंद आई है तो उम्मीद है कि फिल्म के जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो काफी बड़े आने वाले हैं। वैसे दोस्तों अगर आपने रवि तेजा की फिल्म क्रेक देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और क्रेक फिल्म के हिंदी डबिंग रिलेटेड न्यूज और साथ ही साथ इस फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।